गुड मॉर्निंग फैमिली, सुबह हो गई है और सब लोग सारा काम हो गया है। चाय पानी, चाय देखिए आ रही है, इधर बैठ के पी रहा है। और आरो इधर देखिए कहाँ है, ये नीचे बैठ के पी रहा है क्योंकि ये बच्चा है, अभी बिस्तर पिएगा पूरा चाय गिरा देगा तो। और चाय के साथ पार्ले बिस्किट खाना कितना अच्छा लगता है, मुझे तो पार्ले बिस्किट पानी से भी अच्छा लगता है, चाय के साथ भी अच्छा लगता है। किन किन लोगों को पार्ले बिस्किट अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मैं अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में सब चाय पी रहे हैं, गर्मी है लेकिन चाय पीना छूटता नहीं है। और आप लोग बने रहिए, चाय पानी पी के फिर आप सबसे मिलते हैं। तो फैमिली इधर देखिए, मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। बहुत दिन के बाद मैं ये साड़ी वियर कर रही हूँ और ब्लाउज इसे का नहीं पहनी हूँ, अलग से मैचिंग का ब्लाउज देके अपने हाथों से मैं सिली थी। तो आज थोड़ा मौसम ठीक ही है, कल थोड़ा बारिश वरिश हुआ था, हवा हवा चल रहा था तो उतना गर्मी नहीं लग रहा है। और काफ़ी दिन के बाद मेरे बेडरूम को आप लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि गर्मी था तो मैं ऊपर आ नहीं रही थी। तो आज मैंने नहा धो के ऊपर आई, फिर उसके बाद नाइटी ही पहन लेती थी गर्मी की वजह से। अब मैं चल रही हूँ नीचे, देखती हूँ बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज बच्चे लोग को मैं नहलाई नहीं हूँ। और आज मेरे ससुर जी मतलब पापा जी गए हैं विंध्याचल सुबह सुबह माता रानी का दर्शन करने। और मेरी ननद के घर से आई इतनी बड़ी खुशखबरी कि मैं आप सबको बता नहीं सकती हूँ। मेरी ननद की लड़की है ना, छोटी वाली, शादी में आई थी, मैं उसके साथ वीडियो भी बनाई हूँ, रील्स भी बनाई हूँ। तो वो 76% से वो उसका वो पास हो गई 10th class में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो क्या बोल रही थी, मामी हम खुश नहीं हैं, क्योंकि उसको और उम्मीद थी कि हमारा ट्यूशन में जहाँ वो कोचिंग क्लास करती थी इससे ज़्यादा उसका आया था। तो उसी अनुमान से वो अनुमान लगाई थी कि मेरा इतना आएगा। तो बोली थी मामी हम खुश नहीं, हम कहाँ जितना है बेटा उतने में खुश रहो। और मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि मैं जाऊँ उन लोग को, उन लोग से मिल के आऊँ। उन लोग के लिए मैं दिल्ली से गिफ्ट लेके आई हूँ, अभी तक उन लोग को गिफ्ट दी नहीं हूँ, ना ही आप लोग को दिखाई हूँ कि मैं क्या उन लोग के लिए लेके आई हूँ। मेरे पास जितना दिल है उतना लेके आई हूँ। तो आप लोग जुड़े रहिए, मैं नीचे चलती हूँ, देखती हूँ बच्चे लोग क्या कर रहे हैं। तो फैमिली यहाँ पे देख सकते हैं, मम्मी आज सुबह सुबह नाश्ते में क्या बना रही हो, पूरी बना रहे हैं, तुम्हारा फेवरेट पूरी। हम सोचते हैं बना दें नाश्ता, पेट भी भर जाएगा। आज मौसम अच्छा है, थोड़ा ठीक है, इसके लिए पूरी छान रही हूँ, तो पूरी गर्मी में पूरी बिल्कुल खाने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी कितना गर्मा गर्म पूरी छान रही है, बाकी इधर बेल के रखी हुई है और इधर धीरे धीरे छानते जा रही है पूरी। और क्या है, अम्मा क्या कर रही है देखो, अम्मा पता नहीं बाहर गई है अभी, देखो क्या कर रही है, जाओ देखो। तो यहाँ पे देख सकते हैं अम्मा भी पूरे घर का साफ सफाई कर रही है। और आज बाबू मेरे गए हैं विंध्याचल, तो अम्मा नाश्ता बन गया है, पूरी वूरी छिना गया, मम्मी पूछ रही है लेके आए किसके लिए, आपके लिए, अभी कुछ नहीं मतलब आप आ रहे। अच्छा, तो देख सकते अम्मा पूरा जो है धीरे धीरे अपना सब साफ सफाई कर रही है। और मम्मी इधर पूरी छानी, तो चलो मैं को निकाल दो, निकाल दें आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। तो फैमिली यहाँ पे देख सकते हैं दोपहर का समय मतलब कि सुबह का समय हो गया, और मम्मी नाश्ते में बनाई थी पूरी छानी थी और सब्जी था। तो सब्जी मम्मी ने बनाया था परोरा का, तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो आ रहे देख सकते हैं मेरे लिए थोड़ा सा चाय बजा था, तो मैं चाय से खा रहा हूँ। और आरो भी सब्जी लिया नहीं है, तो गर्मा गर्म मम्मी पूरी छानी है, और देख सकते हैं अभी भी किचन में बैठ के छानी रही है। तब तक आप लोग ब्लॉग में जुड़े रहिए, तो हम लोग तब से नाश्ता करके तब आपसे मुलाकात करते हैं। और आरो को भी देख सकते हैं नाश्ता कर रहे हैं, बने रही आप ब्लॉग में। तो फैमिली में पूरी उड़ी छान के मम्मी खा ली, आरो खा ली, आरो खा मतलब नाश्ता कर लिया है। इधर देखिए मैं भी पूरी सब्जी और छेना लेके बैठी हूँ नाश्ता करने के लिए। तो हम सोच रहे हैं कि अपना वीडियो यहीं पे समाप्त कर देते हैं, नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोग वीडियो को प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगल बगल सबसे बोल दीजिए कि हाँ पूनम दीदी के चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, मैं नाश्ता करके फिर आप लोग के साथ एक नया वीडियो लेके आती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।